फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आ रहा है करवा चौथ, और करवा चौथ से पहले जो भी प्रिपरेशंस होती है ना, तो मैंने उसके लिए एक अच्छा सा आपके लिए व्लॉग शूट किया। और उससे पहले हैप्पी करवा चौथ टू ऑल लवली लेडीज आउट देयर। तो हो गई हैं आपकी तैयारी या नहीं हुई है? तो ऑलमोस्ट हो ही गई होंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने तो मेहंदी लगवा ली थी मंडे को ही, 2 दिन पहले, क्योंकि यार 3 दिन पहले लगवा, 2 दिन पहले लगवा, रंग तो चढ़ ही जाना है। तो और मार्केट में जाओ ना तो इतनी भीड़ है ना इस टाइम पे, तो मैं बता ही नहीं सकती। तो खैर, मेहंदी मेहंदी लगवाने के बाद सुबह में पहुंची जिम और अच्छे से मैंने किया वर्कआउट, क्योंकि अगले दिन नेक्स्ट डे करवा चौथ था, तो मुझे आज ही पतले होना था। आज ही मेरा पतला, आज ही एक दिन पतले हो जाऊंगी मैं। आज ही डाइटिंग करूंगी और आज मैं एक्सरसाइज, इतनी सारी एक्सरसाइज करूंगी कि मैं कल तक 3-4 किलो तो चला ही जाए। तो खैर, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, हो नहीं, कोई भी नहीं, मैंने रूटीन तो अपनी फॉलो करनी थी, तो वर्कआउट किया, क्योंकि नेक्स्ट डे पॉसिबल नहीं है वर्कआउट करना, प्यास व्यास लगेगी, तो इसलिए मैंने कहा छोड़ो, वैसे कौन सा पानी पीते हैं, वैसे ये बात तो है। मैंने लेकिन उस दिन जरूर प्यास लगेगी, उस दिन की दिमाग में सेट हो जाएगा ना कि पानी पीना है, पानी पीना है, पानी नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना, तो उस दिन ज्यादा प्यास लगती है। तो खैर, वर्कआउट वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैंने फटाफट, क्योंकि मेरी मम्मी ने आना था, मेरी सर्गी लेके, और मेरी सर्गी मेरी मम्मी लाती, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ है ही नहीं, जब से मेरी शादी हुई उससे पहले से ही नहीं है, तो खैर वही लेती है मेरी सर्गी वगैरह। और जिम में भी कई लोगों ने ऐसे मेहंदी मेहंदी लगाई, तो वो आ गई जिम पे ही सीधा। मैं कह घर पे आ जाती, हाँ क्यों आ गई? तो कह रही पहले से समोसे लाई हूँ, पहले समोसे खा लियो, उसके बाद घर चलेंगे। क्या लाइयो? समोसे और उसकी मिक्के की काजू की, बाकी सामान मैं घर जाके खोलूंगी, पहले हम समोसे खा लेते हैं। वो कटोरी सी क्या होती है वो भी लाएंगे बच्चों की। ठीक है, सब घर में जाके देखना। और मम्मी आई अपने आप गाड़ी में, और क्योंकि मैं स्कूटी पे थी, और ये पहुंच गई घर। अब देखते हैं आगे का व्लॉग। ओहो, तुम आई हो। और प्रीति क्या? हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ। आओ बैठो, रात को खाओ। क्या लाइयो? सुबह की पूजा का, रात की पूजा का रख दो, यहीं रख दो, कोई बात नहीं, कल खोलूंगी वैसे सब। क्या क्या लाइयो जब मैं तब देखूंगी। ठीक है, ये फ्रूट्स अंदर रख देना फ्रिज में, और ये रस मलाई भी रख देना फ्रिज में, इसमें जो भी है फ्रिज का सामान रख देना। बैठ जाओ। तो मम्मी तो चली गई है, मुझसे रहा तो जा नहीं रहा। मैंने उनके सामने तो बोल दिया ये सब मैं कल वल खोलूंगी, आज नहीं खोल रही। बट ना, मैंने कहा यार देखो तुझे क्या क्या लेके आई है। तो ये लेके आई चीज़ें बहुत सारी, अगड़म चगड़म पगड़म चगड़म चाहिए, जो सच में वेट गेन करती है। यार क्यों ले आई हो भाई, क्यों ले आई हो? चलो छोड़ो, अब ले आई है तो क्या करूँ। अब ये सब चीज़ें सब सामने आती हैं यार, इतने प्यार से आपके आपके पेरेंट्स ला रहे हैं, तो कभी कभी सोचते नहीं यार चलो खा लो, कोई बात नहीं, एक दिन खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। अगले दिन जिम में थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे, डाइटिंग थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे। तो देखो आप, मेरी मम्मी ने क्या क्या लाई, उसके बाद में आपको आगे ब्लॉग में मिलती हूँ। कल सुबह खाऊंगी जो भी खाना है, और बाकी शाम को मुझे मार्केट भी जाना है, थोड़ा नेल पेंट वेल पेंट खरीदना है। मेहंदी का कलर तो काफ़ी अच्छा है, देखो आप, रुको मैं दिखाती हूँ उसको ऐसे। और ये मीना ने लगाई है ये मेहंदी। तो उसके बाद शाम को मैं कुछ सामान खरीदूंगी, वहाँ के थोड़े वीडियोज़ बनाऊंगी, फिर क्लिप्स डाल के आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया, और उसके बाद फिर हम आके ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे कल जब करवा चौथ होगी प्रॉपर तब से। मैं अभी सोच रही हूँ थोड़ी स्किन केयर कर लूँ, थोड़ा टमाटो पैक वगैरह लगा लूँ और अच्छी हो जाएगी स्किन। वैसे तो फेशियल करा लिया था, बट पर फिर भी तसल्ली नहीं होती ना, तो वैसे तो स्किन ठीक है, बट और अच्छी करूँगी। एक बार आज आल लगाऊंगी और एक कल लगाऊंगी टमाटो पैक। और जो भी घंटी बजी थी ना, वो आए थे मेरे हस्बैंड, तो उनको ब्रेकफास्ट वगैरह देने के बाद मैंने अप्लाई किया टमाटो पैक, और उसमें स्किन को थोड़ा बहुत और चमका लिया। तो इसके बाद चमकाने को मैंने कहा सारी खाना पीना लंच वंच जो भी हुआ, और शाम को भी जाना है मार्केट बच्चों को लेके, और फिर हम मिलेंगे आगे थोड़े से और आगे ब्लॉक में चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मार्केट का सीन कैसा था आज का। भैया कितने रुपये आते हैं पूरा भर के? कितने की है ये वाली? ये कितने की है थाली? थाली ये 300 रुपए का सेट है, पूरा 300 का।
तो ऑलरेडी मैं तो मेहंदी लगवाई चुकी थी, पर मैंने कहा यार क्यों ना जरा रेट भी तो पता करूँ क्या चल रहा है मार्केट में। रेट तो 200 तो 250 300 ये रेट चल रहा था पूरे पूरे हाथों का। और बाकी अभी मुझे लेनी थी नेल पेंट, मुझे लेना था ब्लशर, मुझे लेना था पता नहीं क्या क्या, बिंदी चूड़ी ये सब मैंने लिया नहीं था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पीछे वाली शॉप पे, वहाँ पे मैं गई भाई साहब क्या भीड़ थी, हाँ तो नेल पेंट निकालना ही मुश्किल हो गया, मैं तो बस पूछो मत। चलो देखो आगे ब्लॉक में हमने कैसे क्या क्या कलर चूज़ किया और क्या क्या लिया। ये सब रेड बिंदी है क्या? ये कितने की है? बड़ी लगेगी मेरे ऊपर ना, रेड वाली ये नहीं अच्छी लग रही है। अरे बहुत बड़ी है वो, क्या ये रेड वाली बड़ी लगानी चाहिए ना कल तो। तो आप शोर देख ही रहे थे, तो कितना शोर था वहाँ मार्केट में। त्यौहार का टाइम है तो मार्केट में तो लोगों की भीड़ बनती है। तो उसके बाद हमें देखी चूड़ियाँ वूड़ियाँ कड़े बड़े, तो हम नेक्स्ट शॉप पे गए और हमने वहाँ पे देखी बड़ा अच्छा कलेक्शन था चूड़ियों का। तो अब आगे देखते हैं व्लॉग में मैंने कौन कौन सी चूड़ियाँ खरीदी, मैं आपको दिखाती हूँ। पिंक है आपको? पिंक है एक बार ये दिखा दीजिए ना अपने पहले। और मैंने इस स्टाइल के कड़े स्टाइल ले लिए, चूड़ियाँ मैंने ज़्यादा नहीं ली। और मैंने इसमें मल्टी कलर हो गया, रेड हो गया, तो वो सब जगह चल जाती है, वो ले ली। और मैंने लेना था ब्लशर, मैंने लिया लैक्मे का 95 ब्लशर। और कुछ ब्रशेज वगैरह खत्म खराब हो रहे थे, मेरे बच्चों ने खराब कर रखे हैं, वो सब लेने के बाद हम यहाँ से भीड़ से निकले। बस भैया निकलो यहाँ से, इतनी भीड़ थी ना औरतों की, लग रहा था आज ही ये दुल्हन बनेंगी, मतलब आज ही, बस आज का ही दिन है, कल पता नहीं क्या होने वाला है। और मार्केट आप देख ही रहे हो कैसे खचाखच भरी पड़ी है। और मार्केट निकलने के बाद हमने लिया आइसक्रीम, आइसक्रीम खाते हुए हम निकल गए घर। उसके बाद आपको मिलते हैं घर चल के। घर आ गई हूँ, बहुत ही भीड़ थी बाहर, आपने देख ही लिया होगा। तो अब करती हूँ उस ब्लॉग का एंड, और ये थी सारी प्रिपरेशन सारी ब्लॉग की। और कल मैं फास्ट रखूंगी, तब फिर जरूर शेयर करूंगी आपसे कल का ब्लॉग। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में करवा चौथ स्पेशल में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल लवली लेडीज आउट देयर। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करते चले जाना, लाइक और कमेंट जरूर करना मत भूलना। बाय, टेक केयर। Oh,